हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। हिस्ट्री न्यूज चैनल पर आप सभी पल्स ट्यूरिस्ट साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ कमेंटों के जवाब दिए थे और कुछ कमेंट हमारे रह गए थे टाइम कम होने की वजह से। तो दोस्तों, उन सभी कमेंटों को एक बार हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहला कमेंट हमारे पास आया है अमर सिंह कश्यप जी का। मेरा डॉक्यूमेंट ऑफिस में जमा है, मैं क्या करूं? तो कश्यप जी, आपका बॉन्ड ऑफिस में जमा है, आपको अभी कुछ नहीं करना है। सेबी की नई अपडेट कब आएगी इसका आपको वेट करना है, और ये वेट आपको जब तक करना है जब तक ये रिफंड प्रक्रिया जो स्टैम्प बॉन्ड जमा सबमिट हो रहे हैं उनकी पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपका नंबर नहीं आएगा। और उस बीच में अगर कोई अपडेट आ जाती है वो हम आप तक पहुंचा देंगे, आप हमारे टच में रहिए, धन्यवाद। दूसरा कमेंट आया है हमारे पास कांतिलाल देव जी का। कांतिलाल देव जी का कहना है कि चौकीदार चौकन्ना है तो अब तक गरीब निवेशकों का पैसा क्यों नहीं मिला। कांतिलाल जी का एक बड़ा सवाल, इससे भी बड़ा सवाल एक और हमारे कमेंट के रूप में आया है राजवीर दास जी का। राजीव दास जी का कहना है चौकीदार ही चोर है, बाहर की कंपनियों को बुला रहा है और अपने देश की कंपनियों को जड़ से उखाड़ फेंक रहा है और बंद कर रहा है और देशद्रोहियों वाले काम कर रहा है। दोस्तों, कांतिलाल देव जी का अपना सोचना है, हम इसमें इनकी सहमति दे सकते हैं। नंबर चार, पल्स का ऑफिस कब से खुलेगा? ये रहमान साहब पूछ रहे हैं कि पल्स का ऑफिस कब खुलेगा। दोस्त, पल्स का ऑफिस अभी खुलना संभव नहीं है, जब तक कोई नई सरकार ना आ जाए जब तक पल्स का ऑफिस नहीं खुल सकते, क्योंकि इस सरकार ने पल्स के ऑफिस बंद किए हैं तो ये कैसे खोल सकती है। आपके लिए जो ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया चालू की है बस इतना ही आपके लिए अभी किया गया है, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं किया गया। और पल्स ऑफिस के बारे में हम अभी आपसे कुछ नहीं कह सकते कब खुलेंगे। चौथा हमारे पास कमेंट आया है अनंत कजवार का। अनंत कजवार का कहना है कि ऑनलाइन करने का की क्या जरूरत है, पीएसएल के पास सबकी जानकारी है, सबकी जानकारी अपलोड है। सेबी को चाहिए कि पल्स से कहे कि अपने ऑफिस खोले, जिनका जितना पैसा देना है वह पल्स ऑफिस के द्वारा दिलाए, उनके कंप्यूटर में हमारे सारे डेटा मौजूद हैं, किसका कितना पैसा देना है, ऐसा ये कहना है अनंत जी का। तो दोस्तों, ये ऐसे सुझाव होते हैं जिनमें बहुत गहराई छुपी होती है और सच्चाई छुपी होती है, लेकिन राजनीति से ये हटके हैं, इनको नहीं पता कि राजनीति में क्या क्या संभव है, क्या क्या संभव है। ये एक सरल काम इन्होंने हम लोगों को सुझाया था, जो बहुत ही अच्छा सरल तरीके से रिफंड प्रक्रिया का हमें मैटर समझा दिया कम शब्दों में, धन्यवाद। छठा हमारे पास कमेंट आया है, हमारे पास ये कमेंट है सुरेंद्र सिंह जी का। साले सब चोर हैं, पीएम को लेकर अरुण जेटली तक। तो मेरे दोस्त, ये इनके ऐसे कमेंट आते हैं जिनसे हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अरुण जेटली भी वाकई कोई हस्ती थे, उन्होंने भी पल्स इंश्योरेंस में 14 साल एडवाइजरी का काम किया, और एडवाइजरी का काम कितना हटके होता है वो सब जानते हैं, क्योंकि एडवाइजर वही होता है जो सब कुछ दिशा निर्देश देता है। और इनके दिशा निर्देश से जब पीएसएल कंपनी इतनी सही तरीके से चल रही थी, फल फूल रही थी, तो फिर अचानक इन्होंने सत्ता में आकर उनके पास उनके सभी ऑफिस बंद करवा दिए और उनके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा मतलब एक विश्वघात किया, दैट्स ऑल। सातवां कमेंट हमारे पास है दिनेश कुमार जी का। मेरा बॉन्ड खो गया है, सिर्फ रसीद ही है। तो मेरे दोस्त, अगर आपका बॉन्ड खो गया है तो इसके लिए अभी कोई नई अपडेट नहीं है, और
ऑफिस अगर खुले होते तो हमें अपडेट की कोई इंतजार नहीं होती, हम सीधा आपका काम ऑफिस में ही करवा देते, क्योंकि ऑफिस में ये सुविधा थी सबकी। हमने 30-35 साल के एक लंबे इसके कैरियर को देखा है, उससे पता चला है कि ये खोए हुए बॉन्ड जिनके होते थे निवेशकों के, उनका पेमेंट भी है बाइज्जत कर दिया करते थे। तो दोस्तों समय सीमा समाप्त होती जा रही है, कमेंट बहुत हैं, उनको पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक और कमेंट पढ़ देता हूँ। जिंदल जी का वेबसाइट नहीं चलती है, जिंदल जी इस तरह के कमेंट हजारों की संख्या में हमारे चैनल पर आए हुए हैं, लेकिन हम आपको इससे कोई, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। ये जो हाथ में है ये सेबी डिपार्टमेंट के हाथ में, या लोढ़ा जी के हाथ में, या इस गवर्नमेंट के हाथ में। हम तो आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, इन लोगों की दुहाइयां दे सकते हैं कि भाई ये सब कैसे हो रहा है, आप लोगों के कमेंटों के माध्यम से, हम अपनी वीडियो के माध्यम से इन लोगों तक आपकी बात पहुंचाते हैं। थोड़ा बहुत सुधार अगर होता है तो उसमें भी अभी तक कहीं से कहीं तक कुछ हमें नहीं फायदा नजर आ रहा, क्योंकि वहीं की वहीं वेबसाइटों में लोडिंग ज्यादा ले रही है और वो नहीं सारे बॉन्ड सबमिट कर पा रही है। तो दोस्तों ये तमाम परेशानियां और इन कमेंटों में आती हैं, तो इनका हम सही सही जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ दोस्तों टाइम कम होने की वजह से मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।